Hello everyone. So today we are going to learn exercise number 5.2, question number 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer. Okay, so यहाँ पे मैं 360 पीपल पे को पूछा गया कि उसकी फेवरेट सीजन कौन सी है. तो यहाँ पे उसके वर्ड्स दिए हैं, समर में 90 वर्ड्स मिले हैं, रेनी में 120 एंड विंटर में 150. नाउ हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, उसके हमें आंसर्स करने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच सीजन गॉट द मोस्ट वर्ड्स. नाउ मोस्ट वर्ड्स मीन्स के सबसे ज़्यादा वर्ड्स कौन से सीजन को मिले हैं. सो ये वी कैन सी, समर में हमें मिले हैं 90 वर्ड्स, रेनी में 120 एंड विंटर में 150. सो मैक्सिमम वर्ड्स कितने हैं? 150. तो वो कौन से सीजन है? विंटर. सो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे? विंटर. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. अभी हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, तो सेंट्रल एंगल किस पे निकलता है? 360 डिग्री पे ऑलवेज. सो यहाँ पे सीजन है हमारे पास समर, रेनी एंड विंटर, उसके ऊपर से हम सेंट्रल एंगल का टेबल बनाएंगे. सी, यह इज द टेबल ऑफ सेंट्रल एंगल. यहाँ पे फोर कॉलम्स आएगी. फर्स्ट इज अ सीजन, सेकेंड इज अ नंबर ऑफ वर्ड्स. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होंगे, बाकी ये दो कॉलम जो है वो एज इट इज रहेंगे, फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल. सो हमने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले से लिख लिया है, समर, रेनी इन विंटर, देन 90, 120 एंड 150. अभी फ्रैक्शन में क्या आएगा? सी, अभी इसका अगर हम टोटल करेंगे, सो 90, 120 एंड 150, इसका टोटल आएगा 360. और सेंट्रल एंगल ऑलवेज टोटल पे ही निकलता है, जितने टोटल हमें यहाँ पे गिवन है उस पे. सो टोटल यहाँ पे है 360, बट समर में कितने वर्ड्स मिले हैं? 90 आउट ऑफ 360, राइट? और सेंट्रल एंगल फाइंड करना है तो उसको हमें 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. ओके, सभी में से आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 120 आउट ऑफ 360 मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री. लास्ट में भी वही, 150 आउट ऑफ 360 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री. सो नाउ कट होगा यहाँ पे, सम कट करेंगे, 360 डायरेक्टली कट कर देंगे, यहाँ पे क्या बचा है? 90 डिग्री. सो समर में हमें सेंट्रल एंगल कितना मिला है? 90 डिग्री. नाउ रेनी में हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी 360 कट, यहाँ पे क्या बचा है? 120 डिग्री. यानी कि रेनी में आया है सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, देन यहाँ पे भी 360 कट. सो विंटर में कितना आएगा? 150 डिग्री. ओके, सो ये है हमारा सेंट्रल एंगल. और सेंट्रल एंगल आपको याद रखना है कि ऑलवेज 360 डिग्री पे ही निकलता है. यहाँ पे आपको जो गिवन है वो नंबर आएगा, अपॉन में हमें जो टोटल नंबर है वो आएगा, एंड देन मल्टीप्लाई विथ 360. नाउ थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन. ना हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है इन्फॉर्मेशन के ऊपर से. ना पाई चार्ट के लिए हमारे पास सेंट्रल एंगल होना ज़रूरी है. सो हमने अगले क्वेश्चन में सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया था, तो इसके ऊपर से अभी हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे. सो पाई चार्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है विदाउट एनी मेजरमेंट, मीडियम साइज़ का, ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा, इतने साइज़ का आपको सर्कल ड्रॉ कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देन यहाँ पे हमें एक मिड पॉइंट ले लेना है. नाउ हमने क्वेश्चन में देखा था सेंट्रल एंगल हमने क्या फाइंड किया था, हम यहाँ पर रफली लिख लेंगे, समर में 90 डिग्री था, रेनी में 120 डिग्री, एंड विंटर में हमें सेंट्रल एंगल मिला था 150 डिग्री, राइट? सो नाउ इसके ऊपर से हम ये पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है समर 90 डिग्री. सो इसके लिए हमारे पास प्रोटेक्टर होना ज़रूरी है, इसके ऊपर से ही हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे. नाउ सी ये कैसे करेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो यहाँ पे पॉइंट किया था, इसके ऊपर यहाँ पे हमें ये मिडल लाइन रखनी है लाइक दैट. ओके, एंड देन ये लाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए. अब हमें समर में कितने लेना है? 90 डिग्री. सो ज़ीरो यहाँ पे है, सो यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ज़ीरो. सो ज़ीरो ईयर एंड 90 कहाँ पे हमारे पास? यहाँ पे. सो यहाँ पे हम 90 में एक पॉइंट आउट कर लेंगे,
ओके नाउ 0 to 90 ये मेजरमेंट हो गया, तो अभी हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सो ये हमें मिल गया है अभी समर. नाइन्टी डिग्री राइट. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास है रेनी, वो कितना है 120 डिग्री. तो अभी वो कैसे करेंगे हम. सी यहाँ से हम ये ज़ीरो लेंगे अभी, ये लाइन जो है वो एक हो जानी चाहिए लाइक दैट. ओके सो अभी इसको हमने क्या लिया है ज़ीरो. हम देखेंगे कि अभी 120 कहाँ पे आ रहा है, ये ओके यहाँ पे 120 आ रहा है. अभी हम 0 to 120 लेंगे. सो 120 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है. सो यहाँ पे हम पॉइंट आउट करेंगे एंड देन लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सो ये हो गया हमारा 0 to 120. ओके ये इसके लाइन में ही है. सो ये हमें मिल गया है रेनी, दैट इज 120 डिग्री. एंड बाकी का जो बचा वो कौन सा होगा, विंटर, दैट इज 150 डिग्री. और ये हम चेक भी कर लेंगे. सो यहाँ पे हमने ये ज़ीरो रखेंगे अभी. ओके यहाँ पे ये ज़ीरो है. अब ये पॉइंट जहाँ पे जा रहा है यहाँ पे आ गया 150. ओके हो गया 0 to 150 विंटर. सो फर्स्ट हम 2 कर लेंगे तो उसके बाद लास्ट वाला जो बचेगा वही हमारा 150 डिग्री हमें मिल जाएगा. सो जब भी हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, सपोज यहाँ पे 3 में इन्फॉर्मेशन दी थी हमने, सो 2 करके थर्ड हमें इजीली मिल गया. अगर 4 इन्फॉर्मेशन गिवन है सो हम 3 को मेज़र करेंगे तो 4 हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. ओके सो दिस इज़ अवर पाई चार्ट एंड योर दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 2.